देखो यही आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, बातें बंद कर दो। अब इसपे हम कुछ क्वेश्चन किए थे बट ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी भी बाकी थे, फर्स्ट कवर जो ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं उसको ज्यादा देखो एक दो क्वेश्चन। चलो देखिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ ग्राफ पे। इधर हमने ले लिया वॉल्यूम लीटर में, इधर हमने ले लिया प्रेशर एटीएम में, और हमें एक प्रोसेस दिया ए से एक प्रोसेस होके बी पे पहुंच गया कुछ ऐसा। हाँ ये एक प्रोसेस हुआ ए से बी, यहां पे जो वॉल्यूम दिया वो दिया 1 लीटर और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया वो दिया 3 लीटर, यहाँ पे जो प्रेशर दिया वो 2 एटीएम और इस जगह पे जो प्रेशर दिया वो 4 एटीएम। ठीक है तो एक प्रोसेस हुआ बेटा ए से बी, मदद करो बेटा उसको ऐसा करो, उसको मत गिरा देना मोबाइल वाले का, मैंने तो पापा से भरवा लूंगा मैं। चलो प्रेशर क्या हो गया एटीएम में, वॉल्यूम क्या होगा बेटे लीटर में, प्रोसेस हो रहा है ए से बी, एरो बनी है क्लॉकवाइज बराबर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द प्रोसेस ए बी, आराम समझेंगे, इन द प्रोसेस ए बी डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस 200 जूल पॉइंट डेल्टा क्यू या क्यू, हीट निकालना है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज तो जो है प्रोसेस ए से, जब प्रोसेस ओके ए से बी ये जो प्रोसेस हुआ ना उसका इंटरनल चेंज आपको दिया है और क्या निकालना है हीट आपको, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, यही इक्वेशन से हीट आ जाएगी। इसका मतलब सीधी सी बात करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस बराबर, इसका मतलब क्या डेल्टा यू माइनस वर्क डन इज इक्वल टू हीट बराबर। तो कुल मिला के क्या करना, अगर वर्क डन मिल जाए मुझे तो आई होप क्वेश्चन खत्म हो गया है क्योंकि डेल्टा यू तो ऑलरेडी गिवन है ना, बस वर्क डन अपने को निकालना है। अब देखो वर्क डन प्रोसेस ए बी में क्या होगा, ये चुपरन है, इधर देखो प्रोसेस ए बी में वर्क डन निकालना बेटा, तो क्या याद करिए एरिया अंडर कर्व, क्योंकि पी डेल्टा भी तो अपन लगा ही नहीं सकते, क्यों ए से पी तक में देखो बेटा लगातार प्रेशर चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तभी पी डेल्टा भी लगता है बराबर, यानी पी डेल्टा भी तो हम लगा नहीं पा रहे, तो क्या अगर एरिया अंडर कर्व निकाल दे इन पीवी ग्राफ तो वर्क डन आता है, पढ़ाया हमने ना एरिया अंडर कर्व, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा एरिया अंडर कर्व ना, एरिया अंडर कर्व। और इसमें भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर कभी भी आपको क्लॉक वाइज एरो दिखे तो एरिया जो वर्क डन होता है माइनस एरिया अंडर कर्व, यानी तुमको वर्क डन डायरेक्ट मिल जाएगा, और अगर एंटी क्लॉक वाइज एरो दिखे तो वर्क डन प्लस एरिया अंडर कर्व लेगा। ठीक है तो अभी हम वो प्लस माइनस नहीं करते, बाद में भी आपको समझा देंगे क्योंकि यहां समझ में आ जाएगा। क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है 2 और ये लेंथ कितनी है आपका 4 इनटू हाइट 2 बराबर, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 6 लीटर एटीएम बराबर, क्या यही वर्क डन आया 6 लीटर एटीएम। अब बात आती है कि सर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा, सिंपल सा शॉर्टकट है, क्लॉकवाइज एरो दिख रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा डायरेक्ट, या सोचना चाहते हो सोच भी सकते हो। ए से जब बेटा बात करो प्लीज, ए से जब बी जा रहे हो ना तो आप देखिए क्या वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3 लीटर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब गैस एक्सपांड कर रही है, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, बात समझा क्या, इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा -6 लीटर एटमॉस्फेयर, ये किसमें दिया है जूल, तो क्यू भी किसमें निकालना पड़ेगा जूल, ये किसमें आया है लीटर में, पर इसको चेंज करेंगे जूल में, अपने को पता है कि 1 लीटर एटीएम
इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये बात याद रखिएगा, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल। इसका मतलब अपने पास है -6 लीटर एटमॉस्फेयर, क्या जाएगा -6 into 101.3 जूल। इसको कर लेंगे बेटा, सम आउट कम्स 607.8। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां पे सॉल्व है, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, जूल में वर्क डन। अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्या अपने को क्यों निकालना था, डेल्टा यू कितना था 200 ऑलरेडी गिवन, माइनस वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 607.8 is equal to Q, यानी 200 plus 607.8 equal to Q, आप सॉल्व कर लो, बात समझा, 807 point something है, 807 point, कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद यार मैथ होती है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आया पहला क्वेश्चन समझ में ये वाला ग्राफ का, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन देखिए, आईआईटी जेई का था ये। यहां पे प्रेशर दिया है और यहां पे वॉल्यूम दिया है, ठीक है। एक प्रोसेस हो रहा है, देखिए ए से बी, ए से बी बेटा दो तरह के प्रोसेस हुए, एक बार हम इस पाथ से ए से बी गए, ठीक है, और एक बार हम इस पाथ से ए से बी गए, प्रोसेस वन प्रोसेस टू, ये हुआ। यहां पे आपको वॉल्यूम जो दिया है पी वन, और यहां पे जो वॉल्यूम दिया है पी टू। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी पाथ वन से जब हम A से B गए उस समय हीट ज्यादा थी, पाथ टू में हीट कम है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, या फिर दोनों पाथ में हीट बराबर है, और चौथा नन ऑफ दीज। इनको कुछ नहीं समझ में आता के लिए तो none of these the best, none Q1 Q2 पता है, तेरा समझो none of these। आइए इन none of these उनके लिए नोटा टाइप का नहीं है, उनको वो दे देना नोटा दबा देगा, ठीक है। none of these का मतलब ऐसा ही आ भी सकता है कभी, समझो। एक बात बताओ बेटा, ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दो थर्ड वाला, बिकॉज़ हीट इज द पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोनों रास्ते तो अलग है, तो हीट तो दोनों रास्ते में पक्का अलग है, ये ऑप्शन तो पहले ही रेंज से बाहर है, समझ रहे ना, क्योंकि पाथ फंक्शन है ना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ए से बी बोलूं, क्या एक तरह से ए से बी का इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, क्या दोनों प्रोसेस जब दोनों प्रोसेस हुए भले रास्ते अलग है बट क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है क्या, बराबर। और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब पहले रास्ते का जो डेल्टा U1 होगा वही डेल्टा U2 भी होगा। इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होती है ना, वो तो केवल किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। भाई इनिशियल स्टेट A है, फाइनल B है, इस रास्ते का देखो इनिशियल स्टेट क्या है A, फाइनल B, इस रास्ते का भी इनिशियल स्टेट क्या है A, फाइनल B। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तो दोनों रास्ते में इक्वल ही होगी, क्योंकि एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको Q1 plus W1 वर्क डन, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूं Q2 plus W2। अब एक बात बताओ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, वर्क डन के बारे में सोचते हैं यार, A से B क्लॉकवाइज एरो है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, A से B सेकंड पाथ में भी क्लॉकवाइज एरो है, मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, पर यहां पे भी देखो क्या होगा आपका वर्क डन जो है, ऐसे भी करो इसको ए से बी ही क्या है ना प्रोसेस, ठीक है। तो एक तरह से देखिए, अगर वर्क डन निकालूं तो जो पाथ वन है क्या उसका वर्क डन ये उसके अंदर ये पूरा एरिया आएगा क्या, बराबर। पाथ वन के लिए अगर वर्क डन निकालूं ये पूरा एरिया आएगा, और जबकि अगर मैं बोलूं Q2
कि पाथ टू का वर्कडन कितना होगा, तो उसके लिए केवल इतना एरिया होगा ना रेड वाला, बराबर। तो बताइए वर्कडन कहां ज्यादा हो रहा है, पाथ वन में, ठीक है, और दोनों वर्कडन निगेटिव है, दोनों वर्कडन क्या है, निगेटिव है। अगर मैं इसको लिखूंगी पाथ वन का वर्कडन को मैं मान लू बेटा वाई, और पाथ टू के वर्कडन को मान लू एक्स, तो क्यू वन माइनस वाई इक्वल टू क्यू टू माइनस एक्स, सपोज करो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आई आई टी का दिमाग को लगाना पड़ता है ना, ठीक है, तो माइनस वाई माइनस एक्स। अच्छा एक बात बताओ बेटा, नो डाउट वर्कडन फर्स्ट वाला बड़ा है, वर्कडन फर्स्ट वाला बड़ा है, इसका मतलब Q1 भी तो बड़ा होगा तब, और ये वर्कडन छोटा होगा तभी तो Q2 भी छोटा होगा तभी दोनों भी इक्वल आएंगे ना, ओके नहीं चल रही है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि Y और X ये तुमको सिंपल समझ में आएगा, Y वाला वर्कडन बड़ा है, अगर ये वर्कडन बड़ा है ठीक है और ये वर्कडन छोटा है, अपने को इन दोनों को इक्वल लाना है, ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई, ये बड़ा है ये छोटी है, तो अगर ये बड़ा है तो क्यू भी तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी दोनों को माइनस करूंगा तो इसके इक्वल आएगा, इक्वल करने में दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उसके लिए अगर ये बड़ा है तो इसको भी बड़ा लेना पड़ेगा नहीं, और ये छोटा इसे भी छोटा लेना पड़ेगा, तो सीधा सा लॉजिक है क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू, आया समझ में क्या, ठीक है, नीट वाले परेशान नहीं होंगे यार, ऐसे आते नहीं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप ग्राफ वाले क्वेश्चन, बाकी आप बेटा जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी बुक रखी हो, मैं सोचो ये चार क्वेश्चन सर ने जो करा दिए इससे काम हो जाए, नहीं होना प्रेशर और वॉल्यूम। आपको एक ग्राफ दिया बेटा ए बी और सी, ठीक है, आपसे क्या बोला ए बी सी ए, ये प्रोसेस हो रहा है ए बी सी ए, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एरो आपको देख के समझ आ रहा होगा, क्यू की वैल्यू आपको दे दिया हीट प्लस फाइव जूल, ये हीट दे दिया आपको इस प्रोसेस का, ठीक है, प्लस फाइव जूल, वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है, इतना आसान क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, वर्क डन निकालना है। अब आपको लग रहा होगा सर ठीक है वर्कडन जो निकालना है ना, वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया, यहाँ वॉल्यूम कहाँ है यहाँ कितना है ना, प्रेशर बताया, तो वर्कडन पी डेल्टा भी नहीं लगा पाएंगे, एरिया अंडर कर्व भी निकालना चाहूं तो पहले कम से कम कुछ लिमिट तो पता होनी चाहिए ना, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए कम से कम वॉल्यूम की लिमिट या प्रेशर की लिमिट कुछ दिया ही नहीं है, कैसे निकलेगा, यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा बस, क्या क्या बताइए पूरा का पूरा ए बी सी ए प्रोसेस पूछा है क्या, ए बी सी ए, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से आया ए, क्या ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया क्या, और साइक्लिक प्रोसेस में क्या स्टेट फंक्शन सारे जीरो होते हैं क्या, इसका मतलब क्योंकि ये साइक्लिक कितना ही सोचना होता है बस उसके बाद चार नंबर कोपर का मिलता है, ठीक है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है सब सबका चेंज कितना होता है जीरो, क्या यहाँ डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। अब बताइए अब आपको वर्कडन निकालना है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q plus W, ये हो गया जीरो, Q कितना दिया है फाइव प्लस W माइनस फाइव जूल, कुछ नहीं आया, बात समझा क्या, माइनस फाइव जूल आ गया, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझ में आ रहा क्या, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन जरा आप निकालिए, हाँ मैं देता हूँ ये क्वेश्चन आप करिए, इधर मैंने दिया प्रेशर बेटे एटीएम में और इधर दिया हमने वॉल्यूम लीटर, प्रोसेस हुआ ए से बी, बी से सी, यहां वॉल्यूम दिया टू लीटर, यहां दिया फोर लीटर, ठीक, यहां दिया टू लीटर, यहाँ दिया 6 लीटर, क्या बोला है फाइंड क्यू और ए बी सी ए, ए बी सी ए, ठीक है, चलिए जरा बताएं ऑप्शन क्या होगा,
दिमाग लगाओ, अब की बार हीट निकालनी है, पिछली बार उन्हें हीट दे दिया था, ठीक है, तुमने साइकिल का जीरो कर दिया था, इस बार हीट निकालनी है, पक्का हुआ सर पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसमें निकाल रहे तुम लोग, जूल में आंसर चाहिए, लीटर एटमॉस्फेयर मत बताना, जूल में बताना आंसर, जूल में चाहिए। आंसर जूल में निकालिए। माइनस या फिर मैं गलत किया हूँ, देखता हूँ क्या, ये तो भाई मैंने गलत किया, देखते हैं, लेट्स सी। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ बालक, आया कि बस चित्र बना के बैठे हो, चेक करते हो तुम्हारा सही हो, मेरा ही कैलकुलेशन रॉन्ग हो, देखते हैं। स्टार्ट करें हम, कर रहे हो, आ रहा है सर, अरे बोलो आया कि नहीं, नहीं आ रहा है, चलो देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ए बी सी ए बोला उसने, ए से बी, बी से सी, सी से ए, फिर से बोल दिया साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस में बेटा स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनका चेंज जीरो होता है, तो डेल्टा यू जीरो होगा, वर्टिकल जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल तो पास फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हीट निकालना है, अपने को पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस, ये हो गया जीरो, तो क्या Q इक्वल टू माइनस वर्क डन, बस कुल मिला के वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब कैसे करें भाई, प्रेशर तो लगातार इस प्रोसेस में बदल रहा है, एरिया अंडर कर्व या सीधे सीधे क्या करें, ट्रायंगल का एरिया निकालो ना यार, एरिया अंडर कर्व तो यही आएगा ना, यही तो है, तो क्या होगा वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, और क्योंकि क्लॉकवाइज साइन है तो नेगेटिव, चलिए माइनस एरिया अंडर कर्व, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1 बाय 2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है 2 इनटू 4 यानी 2, हाइट कितना है 4, माइनस 4 लीटर एटीएम, ये आ गया वर्क डन, ठीक है, सीधा से बात है, मैथ नहीं आती, ठीक है, और ये 4 लीटर एटीएम, अब इसको बदल लो जूल में, ठीक है, शर्मानी चाहिए, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल, ठीक है, इसका मतलब कितने में कितना होगा, माइनस 4 इंटू 101.3 जूल, ये 405 या 400 के करीब आ जाएगा, माइनस 405.2 जूल, बराबर, ये आया है क्या वर्क डन, इसके सामने माइनस लगा है तो आपका आंसर आएगा प्लस, तो इसको भाग यहां रखोगे ना, ऑलरेडी पहले माइनस है, फिर ये माइनस,
is equal to q equal to plus 405.2. समझ में आया? हाँ, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पा रहे थे, बस इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। हाँ, आगे बढ़े, आया कि बाउंसर गया, फिर से बताऊं? हाँ, एक बार और बता दो। देखो बेटा, समझो बात को, समझो क्या बोला है कि हीट निकालना है एबीसी प्रोसेस में, ठीक है। अगर यही प्रोसेस एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बनाना होता तो बोलता है एंथैल्पी चेंज बता दो एबीसीए में, एंट्रोपी चेंज बता दो एबीसीए में, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बता दो, इंटरनल एनर्जी, सबका आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हर स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी जीरो होती है। इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन, फर्जी का चार नंबर मिलना, बात समझा ना? बट उतना आसानी से नहीं देते। तो क्या किया, फाइंड क्यू फॉर एबीसीए। एबीसीए देखो, ए से बी, बी से सी, सी से ए, एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक बात तो कंफर्म हुआ, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो, इवन डेल्टा यू क्या, इस प्रोसेस में डेल्टा एच पूछता, डेल्टा एस पूछता, डेल्टा जी पूछता, जितने स्टेट फंक्शन सब जीरो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हीट निकालिए, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू कितना है जीरो, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वर्क डन, कुल मिला के वर्क डन निकाल, कुल मिला क्या निकालो, वर्क डन। अब पीवी ग्राफ दिया है, मैंने पढ़ा था पीवी ग्राफ में वर्क डन कैसे निकलता है, एरिया अंडर कर्व। तो ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, क्या होगा वर्क डन, क्योंकि क्लॉकवाइज दे रहा है तो माइनस एरिया अंडर कर्व होता है। डायरेक्ट आपको नहीं सोचना है कि एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, अगर पूरे किसी भी एक कर्व का एरिया निकाल रहे हो तो अगर एरो क्लॉकवाइज है तो माइनस एरिया अंडर कर्व, और एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस एरिया अंडर कर्व, सिंपल सा लॉजिक। तो माइनस एरिया अंडर कर्व, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, तो 1 बाय 2 बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4, सॉल्व कर दिया कितना आया माइनस 4 लीटर एटीएम। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल, इसका मतलब माइनस 4 लीटर एटीएम इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ गया। अब ये क्या है आपका वर्क डन, अब तुम्हें यहां पे क्या लिखा है q इक्वल टू माइनस w, यानी q इक्वल टू माइनस, और तुम्हारा वर्क डन कितना आया है माइनस 4.5, और माइनस माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, समझ में आया ना, हीट आएगा प्लस। कंसेप्ट देखो बेटा, कंसेप्ट थोड़े थोड़े ही होते हैं, ठीक है, काम से बता दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, प्लस बुला लेते क्या, अगले ले लेंगे वो, ठीक है, बंद किया बुला, बता दो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं, इसको जरा सोचिएगा, आईआईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, सिर्फ तुम्हें क्या बताना होगा, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, आपको इतना बताना होगा कि वर्क डन पॉजिटिव, हीट नेगेटिव, या हीट नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव, सोच सोच के, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में खेलना है, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी। इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम, प्रोसेस ए से बी, B से C, C से D, D से A, क्या क्या बताना, देखो वर्क डन इन ए बी, क्यू इन ए बी, डेल्टा यू इन ए बी, बस आपको ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो में आंसर देना है बस, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन करने दी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर बीसी, वर्क डन बीसी, क्यू इन बीसी, और डेल्टा यू इन बीसी, फिर तीसरा सीए, वर्क डन इन सीए, क्यू इन सीए, और डेल्टा यू इन सीए, वर्क डन इन डीए, हीट इन डीए, और डेल्टा यू इन, लगाइए जरा दिमाग, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो में ऐसा करना है। और सॉरी ये कहा अभी सही करते, चलो चलो करो आप जरा।
तुम पहले करो फिर मैं करता हूं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिक लगाना है और सिर्फ ये बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव, हीट नेगेटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव की नेगेटिव, यही आंसर करना है। ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आंसर वो ऑप्शन में आता है। तो भाई इसके बारे में बोल रहा हूँ, सोच लीजिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। वर्क डन एबी पॉजिटिव आया। ओके लेट मी चेक। ए से बी गए, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। प्रोसेस ए से बी यानी सिर्फ केवल इतना देखना तुम्हें, क्या इस पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है? वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, डेल्टा बी 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 माइनस बी ए चलेगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, क्या यहाँ पे कोई वॉल्यूम में चेंज आया है क्या? डेल्टा बी तो जीरो हो गया ना, यानी वर्क डन भी तो जीरो हो गया, यानी यहाँ सीधा सीधा जीरो आया। पॉजिटिव नेगेटिव काम है, वर्डन क्या होगा जीरो। अब बात आते हैं हीट, ए से बी में हीट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है था। हीट के बारे में तुम ऐसे नहीं खेल पाओगे, उसके लिए यहां से आओ इंटरनल एनर्जी पे आते हैं। एक बात बताओ बेटा, ए से बी में अब इंटरनल एनर्जी भी कैसे निकाले, ये भी फंस गया। थोड़ा सा सब कुछ आइडियल गैस के बारे में दिया है, आइडियल गैस इक्वेशन सोचेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद करिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो फिक्स होता है, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है। यहां पे देखो जब ए से मैं बी जा रहा हूं तो क्या वॉल्यूम भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है? क्या वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। याद करिए स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, गैलोसाइक लॉ। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो इस लाइन में टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। क्या ए से बी चलते समय प्रेशर बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है ना, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। और याद करो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, बराबर। इसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी ये भी होगा पॉजिटिव। आया समझ में? ग्रेटर देन जीरो। अब बात आती है क्यू की, यहीं से खेल लो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्या? ये आया है पॉजिटिव, ठीक है, और वर्क डन आया है आपका क्या जीरो, तो क्या क्यू पॉजिटिव नहीं आया क्या? तो साहब ये भी पॉजिटिव। अब तो ये करो बीसी, वर्क डन क्या आएगा बीसी का नेगेटिव, ठीक है, चलो वर्क डन क्या आ गया नेगेटिव, सही है। डेल्टा यू वर्डन देखते जो आगे होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, चलो ठीक है वर्डन नेगेटिव। अब ये इस खेलो ऐसा खेलो ऐसा खेलो, ठीक है। क्या बी से सी जाते समय बालकु प्रेशर कांस्टेंट है क्या? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन तो कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट, आर प्रेशर भी कांस्टेंट, क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, धुंधला धुंधला से याद आ रहा होगा चार्ल्स लॉ, ठीक है, बी डायरेक्टली प्रपोजल टी। इसका मतलब बेटे जहां वॉल्यूम बढ़ रहा होगा वही टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो बी से सी की तरफ चल रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उसका मतलब ये भी पॉजिटिव। अब दिमाग लगा दो यहाँ पे, ये पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव, तो ये क्या आएगा बताइए, हीट क्या आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव? दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सोचो क्यू इक्वल टू बी सी, वर्क डन तो है नेगेटिव बता दिया, और
इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो आंसर मिल जाए, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पॉजिटिव आएगा। ये हीट भी क्या है कि आपकी पॉजिटिव, कोई रीजन बता सकते हो बेटा क्यों रीजन? यस सिंपल सा क्या है, लेफ्ट और राइट खेलना है और इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये प्लस है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, इसको भी इधर ले जाऊंगा ना, मुझे हीट निकालना है ना, ये वर्कर इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी हीट तो प्लस की आएगी ना। अब इसको बताओ सीडी वर्कर क्या होगा, सीडी में जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वर्कर क्या हो गया जीरो। इंटरनल एनर्जी के लिए ऐसा खेलेंगे तो सी से डी में देखो क्या है, लगातार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होगा, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ सी से डी में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो टेंपरेचर भी ड्रॉप होगा, टेंपरेचर ड्रॉप होगा इंटरनल एनर्जी भी ड्रॉप होगी, इसका मतलब ये आएगा साहब निगेटिव, ये क्या आएगा निगेटिव। आप बता दो क्यों क्या आएगा निगेटिव, क्या जाएगा निगेटिव, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है अब यहाँ ठीक है डी ए वर्णन क्या आएगा पॉजिटिव, चलिए तो डी ए का वर्णन क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा आप समझदार हो यार, अगर ये पॉजिटिव आ गया डेल्टा यू, डी से ए में क्या देखो क्या हो रहा है आपका, डी से ए चल रहा पीवी इक्वल टू आरटी लगाओ, प्रेशर क्या हो रहा है कांस्टेंट है, डी से ए में प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट यहाँ तो वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, इसका मतलब ये निगेटिव, तो हीट निगेटिव, समझ में आ गया? दिस इज द क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है चल। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन की कल्पना आप नहीं कर सकते, हो गया इससे कुछ नहीं आएगा। मैंने पहले बताया था न्यूमेरिकल से ज्यादा टफ होता है थर्मो का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तब भी हो जाता है अगर फॉर्मूला याद रहा। आइए अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है बेटा एंथैल्पी, अगला टॉपिक क्या अपना एंथैल्पी, एंथैल्पी या किसी को सीधे भी आप हीट बोल सकते हो, आराम समझिएगा एंथैल्पी क्या होता है। हमने एक पहला पढ़ाया इंटरनल एनर्जी, ठीक है उस पर हमने फर्स्ट लॉ निकाल दिया, एंथैल्पी का काम किसी लॉ पे नहीं आएगा, इसके बाद आएगा एंट्रोपी जो सेकंड लॉ को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, कूलिंग नहीं हो रही है क्या? नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है, फिर भी आज कूलिंग नहीं हो रही मैडम, कूलिंग नहीं हो रही है। चलो ध्यान दो जरा बेटा, देखो एंथैल्पी, ठीक है एंथैल्पी क्या होती है, समझो समझो समझो, हीट कंटेंट, मैं एक बात बोलना भूल गया, अभी जो है ना आपके पास जो ये चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम करके चैप्टर, उसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए, आयनिक अभी पढ़ा पाओ जो आपको केमिकल आता है, और केमिकल बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है डीओडी वगैरह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा अपना मैं जो वीडियो शेयर करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो मैंने अपने प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाया है पूरा केमिकल, चार लेक्चर में मुझे लगता है 6-7 घंटे में पूरा केमिकल, उसको आप पूरा पढ़िएगा, और खासकर ये डेल्टा एनजीओजी तुम कर लो, मुझे पता है केसी केपी में रिलेशन ये सब सब पढ़ा, आप मेरे न्यूमेरिकल देखिएगा जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम वीडियो पे कराया, ठीक है डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ऑब्जर्व डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है अल्फा के साथ, ठीक है उसके क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, और ली चैडविक प्रिंसिपल मेन होगा आपका समझना, डीओडी वाला टॉपिक बढ़िया से करना जहां से डीओडी पढ़ाया हो ना, क्योंकि आप वहीं पे फंसोगे कि एक से इतना गया फिर से कितना जाएगा, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आपको ना तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ समझ में आएगा इक्विलिब्रियम का ना पीएच, तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियो भेजूंगा, ठीक है वो आप 3-4 देखो कि शायद आपके महाराष्ट्र बोर्ड में
केमिकल इक्विलिब्रियम में डीओडी वगैरह हटाया है, वो आयनिक में डाल दिया, मैं उसको क्या केमिकल में ही पढ़ाता हूँ। रीजन क्या, केमिकल के क्वेश्चन बिना डीओडी के निकलते ही नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं केपीकेसी में क्या रिलेशन आएगा, केपीआरकेसी को एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा डीओडी के साथ, तो आप पूरा वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद मैं आयनिक का भी वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं वीडियो से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ाने लगूंगा मैं साल भर अपनी केमिस्ट्री खत्म कर सकता क्योंकि उड़ा उड़ा के पढ़ा नहीं पाऊंगा। पास में आ रहा है ना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को आपको वीडियो से ही करना है मेरा जो है। तो पहले आप केमिकल करोगे, ठीक है, केमिकल पढ़ने के बाद जो आयनिक के 10 से 11 लेक्चर होंगे एक घंटे के आयनिक इक्विलिब्रियम के, मुझे लगा 10 से 11 लेक्चर होंगे, ठीक है, वो मैं लक्स ट्यूटोरियल में पढ़ाया हूँ वहां का है। उसके बीच में जो मैं बोला हूँ उस पर ध्यान मत देना कि बच्चों को डांट रहा हूँ उसमें, हाँ क्योंकि कोई ऐसे तो नहीं है प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो क्लास का है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें मैंने भरा भला बुरा सब बोला नहीं, ठीक है। आप उस पर फोकस मत करना कि जाहिल हो, खा के नहीं आए हो, बोल नहीं रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं आता तुम लोग को, इस पर फोकस मत करना, तुम केवल कंटेंट देखना बस उसका, सर क्या पढ़ा रहा है, बात समझ रहे। इसलिए मैं वो वीडियो अब मेरे यूट्यूब पे मैं अपने सारे वीडियो डाला हूँ, बट क्या मैं उसको अनलिस्टेड रखता हूँ, पब्लिकली नहीं करता, ठीक है, पब्लिक कर दूंगा क्या बोल रहा है टीचर, गाली दे रहा है बच्चों को, प्राइवेट वालों को और डांटता हूँ मैं, बात समझ आ रहा ना। तो आपको केवल कंटेंट, इसीलिए मैं यूट्यूब में मेरे देखोगे ना तो जितने भी इलेक्ट्रो के वीडियो, इलेक्ट्रो वगैरह सब है मेरे पास, इलेक्ट्रो थर्मो सॉलिड, ठीक है, सॉल्यूशन क्वालिटेटिव, सबके कंप्लीट वीडियो है, बट मैं उसको पब्लिक नहीं करता, जबकि कंटेंट सब सुपर है वहाँ, बट उसमें जो मैंने बोल दिया ना वो गड़बड़ किया, मुझे क्या पता मैं आपसे चैनल में डालना पड़ेगा बाद में, मुझे मैं उसको अपने ही लिए डाला हूँ, अपने किसी बच्चे को प्राइवेट वेट पे शेयर कर देता हूँ, जिससे किसी का एग्जाम आ गया मैं नहीं पढ़ा पाया उसको, लो भाई ये वीडियो है देख डालो, बात समझा ना, और उसका पीडीएफ नोट भेज दूंगा आपको। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप पहले करेंगे, मैं स्पीक में सर को दे दूंगा वो, ठीक है, चार लेक्चर में है, डेढ़ घंटे के होंगे, ठीक है, तो उसको देख लो और मैं नोट भेज दूंगा केमिकल का, फिर आयनिक शेयर कर दूंगा। केमिकल और आयनिक आपको वीडियो से करना है, उसके बाद भी अगर तुम्हें डाउट आएगा, जहां तक नहीं आएगा अगर केमिकल देख के करोगे तो, पीएच वीएच के शानदार शानदार क्वेश्चन हुए वहां, ठीक है, और नोट भी भेजूंगा, जो नोट्स में है वही वीडियो में, इस तुमको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, नोट में कुछ अलग है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज करता हूँ, शायद हाथ में कॉपी भी लेके पढ़ा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि वही क्वेश्चन कराऊंगा जो नोट में अवेलेबल। तो आप आयनिक और केमिकल वहां से करेंगे, बाकी ये थर्मो इलेक्ट्रो सॉलिड पी ब्लॉक ये मैं कराता था, पास में आ रहा है ना। चल तो क्या होता है बेटा, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी को हीट बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे, हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब ये इस बात को प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, heat content of any system at constant pressure is called enthalpy, या इसको एक तरह से और define कर सकते हैं कैसे, the sum of internal energy and pressure volume energy is called enthalpy, ठीक है, the sum of internal energy and pressure volume energy is called enthalpy। देखो इसका मतलब क्या हुआ, enthalpy को हम H से दिखाते हैं, internal energy E से हो गया, या U से आप दिखा दो, आ देखिए आप E और U में कंट होना, कुछ बुक्स U लिखती है कुछ बुक्स E लिखती है, दोनों का मतलब एक ही इंटरनल, ठीक है, या आप U प्लस PV भी लिख सकते हैं, E प्लस PV, ये है आपकी एंथैल्पी, ठीक है, क्या मैंने बोला, द सम ऑफ इंटरनल, देखो पहले ये डेफिनेशन प्रूफ कराऊं, थोड़ी देर बाद इसको भी प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी, ये इंटरनल एनर्जी और ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं बेटा इनके सम को, एंथैल्पी। एक बात बताओ बेटा, अपने को पता है अपन इंटरनल एनर्जी की सही सही वैल्यू तो नहीं बता सकते, याद करो, क्या ये कैसी प्रॉपर्टी थी, पहली बात तो एक्सटेंसिव है और स्टेट फंक्शन, और जो भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं बता पाते क्या बताते हैं, चेंज बताते हैं, बराबर ना, ठीक है, देखो इसका मतलब अगर तुम सही सही इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते तो क्या तुम एग्जैक्ट एंथैल्पी निकाल सकते हो क्या, भाई एंथैल्पी में पहले इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे,
और इसका तुम क्या सही सही कैलकुलेशन कर सकते हो का? तो क्या डेल्टा एच, क्या एच का हो सकता है क्या? इसका मतलब ये भी क्या होगी, स्टेट फंक्शन, और इसको लिखेंगे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। अपन एंथैल्पी कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको क्या समझो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी। अरे सब तो स्टेट फंक्शन है ना, प्रेशर वॉल्यूम सब याद करो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा टी प्लस। देखो मैं ये इक्वेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में बच्चे या टीचर केवल दो इक्वेशन पढ़ाते हैं और आईआईटी ने यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। क्योंकि अपन लोग दो क्वेश्चन बहुत किसी से पूछोगे ना वो तो जी तुमको बताएंगे, डेल्टा एच का एक फॉर्मूला तुम भैया बताएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, एक ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल मिलता है। एक आपसे बताएंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर, एक ये बहुत पॉपुलर ही दोनों क्वेश्चन, इसी सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं इसके चक्कर में ये वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर डालते हैं। अगर बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना तो इन दोनों के क्वेश्चन सब कर सकते हैं, बट यहाँ वाले क्वेश्चन को जो लॉजिकल पढ़ा होगा वही मार पाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो नो डाउट ये तुम्हारी बुक में दिया है, हर बुक में देते हैं डेल्टा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एन जी आर टी, तो 90% क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, बट ये वो वाले क्वेश्चन तो 10% की कैटेगरी में है, ठीक है। और जो 10% कैटेगरी में आते हैं और वो आ जाते हैं ना, तो वही रैंक डिसाइडिंग कर देते हैं तुम क्या उसको कर पा रहे हो। ये तो सब कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहेगा। आइए जरा इसको देखो, मैंने ऐसे क्यों बताया कि ये क्या है, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कहाँ नहीं वहां तक करूंगा अभी बाद में, ठीक है। पहले इसको देखो, इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा प्लस क्या बेटा डेल्टा पी पी को मैं पी टू माइनस पी वन लिख सकता हूँ क्या, बराबर और क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। और फिर आप पूछते हो कि आप कहां से रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे आंसर, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले आप इतना समझ लिए क्या कि h इक्वल टू e प्लस b pv, बेटा बेटा इस बात मत करो, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, अपने को पता अपन e ही सही सही नहीं निकाल सकते, तो क्या हम h सही से निकाल पाएंगे क्या, नहीं, तो चेंज ही निकालेंगे। डेल्टा h इक्वल टू ये भी स्टेट फंक्शन, प्रेशर वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन ना, सभी चेंज। डेल्टा पीवी क्या p2 p2 माइनस p1 p1 लिख सकते हैं ना, बराबर। अब देखो इसको पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर वहां पहुंचता हूँ आपको, तो इस पे क्वेश्चन निकालते हैं। दो क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया समझ में आएगा इसको ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अ नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम आइडियल गैस क्या स्टेट वन, पूछ लिया क्वेश्चन बताओ, टू स्टेट टू पढ़ाया ऐसे ही, स्टेट टू स्टेट वन टू स्टेट टू, स्टेट वन का प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 3 liter, टेम्परेचर है 95 केल्विन, ठीक है। और स्टेट टू का जो प्रेशर है 4 atm, वॉल्यूम है 5 लीटर और टेम्परेचर है 245 केल्विन। फाइंड एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, क्वेश्चन है फाइंड एंथैल्पी चेंज। ये चेंज को बहुत ध्यान से सुन लो आप, क्यों तुम्हारे बोर्ड में अभी संत बोर्ड हुआ नहीं, उसके पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था फाइंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, तो बच्चों ने पूरा हंगामा मचा दिया, सब टैलेंटेड बन गए उस समय वहां पे, ठीक है, पूरे क्लास का हंगामा हो गया। एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं, तो स्टेट फंक्शन चेंज निकालेंगे। इस क्वेश्चन पे सबको प्रीमियम नंबर दिया गया,
ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया था, उसने बोल लिया था आपके बोर्ड में कल मिसप्रिंटिंग कर दिया था, फाइंड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, और एंथैल्पी कौन निकाल सकता है, आपको चेंज इन एंथैल्पी पूछना चाहिए। तो बच्चे वहां थोड़ा सा जागरूक बन गए थे, तो वहां पे बोला गया तो एंथैल्पी चेंज भले आता ना हो कुछ भी, जब एकदम फ्लैट क्वेश्चन था, कुछ था नहीं उसमें, फिर भी शोर मचाया गया, जिसने भी चाहे गलत सॉल्व किया हो इसको चाहे सही, अगर नंबर डाल के भी छोड़ दिया और एच इक्वल टू ई प्लस पी भी, उसको भी नंबर मिलता है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बट ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं होता, ठीक है। फाइंड एंथैल्पी चेंज और डेल्टा ई दिया है 30 लीटर एटीएम, डेल्टा ई कितना दिया है 30 लीटर एटीएम, ऑप्शन जो दिए गए हैं बताई नहीं तुम मुझे, 41, 42, 43 और 44। चलो आइडियल गैस क्या होती है कौन बताए, यहाँ तो नॉन आइडियल है, तो पहले आइडियल गैस क्या होती है, हाँ बोलो, नॉन, अरे कोई एकाध एजम्पशन तो बोलो आइडियल गैस का, मैंने कितना बड़ा केटीसी पढ़ाया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आइडियल गैस के 8 से 9 पॉइंट दिखाया था, राउल्स लॉ वो आइडियल सॉल्यूशन है बेटा, यस वेरी गुड। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना ही कोई दूसरे को रिपेल करती है, अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते, वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला 3/2 nRT होता था, काइनेटिक गैस इक्वेशन k=1/3 mL/V² का स्क्वायर होता था, आइडियल गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलते थे, उन पे ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता था, उनका मास कम और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती थी, ऐसे याद, ठीक है। फाइंड एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, डेल्टा इतना, अब देखो जरा क्या होगा बेटा, एक बात बताओ, एंथैल्पी चेंज पूछा है और आपको ये बताया डेल्टा ई, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर डेल्टा ई इक्वल टू जो आप पढ़ के जाते हो बोर्ड में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, बराबर, या तो ये फॉर्म लगाने का प्रयास करोगे, ये तब लगा पाओगे जब वॉल्यूम में चेंज और प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, देखो यहाँ प्रेशर बदल रहा है, फंस जाओगे कि नहीं भाई, यही दो फॉर्मूला तुम्हारे पास यही है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डेल्टा एन जी कहां से निकालोगे, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर, तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि यार ये फॉर्मूला भी नहीं इस्तेमाल करो, निकालना तो डेल्टा एच ही है, डेल्टा ई दिया है, डेल्टा वी भी समझ में आ जाएगा सर, 3 लीटर 5 लीटर डेल्टा भी निकल जाएगा, क्योंकि दो वॉल्यूम दिए हैं, चेंज अपन निकाल लेंगे, P अगर बाहर है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट ना, यहाँ तो प्रेशर बदल रहा है, फंस गया कि नहीं क्वेश्चन, तो आपकी हेल्प करेगा ये इक्वेशन, कौन सा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, यही होगा ना डेल्टा पी वी, अब एक देखो डेल्टा ई तो दिया आपका 30 डायरेक्ट, प्लस पी टू कितना है, प्रेशर 2 4 atm, वॉल्यूम कितना 5, माइनस पी वन 2 atm, पी वन 3 atm, ये हो गया 30, प्लस ये हो गया 20, ये माइनस हो गया 6 ना, यानी 30 + 14 यानी 44, ये ऑप्शन, समझ में आया क्या, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो, तब भी एंथैल्पी आप निकाल सकते हो, ध्यान रखो, समझ में आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डाउट तो नहीं किसी को, तैयार तो हर चीज के रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, बात कौन हो रही है, एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली From 1 liter, बढ़िया क्वेश्चन है, From 1 liter to 10 liter, find the
वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, ऑप्शन दिया आपको फर्स्ट -7 kilojoule, बी +7 kilojoule, सी +44/3 kilojoule और डी आपका 0। क्या बोला, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 liter to 10 liter, यानी 2 volume दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2V2 - P1V1 चलेगा, यही तो था। पर प्रॉब्लम क्या है यार कि डेल्टा ई भी इस बार नहीं दिया, जरा समझो, डेल्टा ई भी नहीं दिया, V1 P2 दिया बट P1 P2 नहीं दिया। तो चलो मान लो सर हम प्रेशर को कांस्टेंट भी मान ले, तो डेल्टा ई भी तो नहीं दिया है ना, फिर बात समझा कि नहीं। अब क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, रहे दिमाग लगा, बस इतना ही क्लिक होता है क्वेश्चन, यहां से इसको चुरा लो। आइसोथर्मल, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, और याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, पहली बात, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दुनिया के किसी प्रोसेस के लिए यही होता है एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर आइसोथर्मल डेल्टा टी क्या होगा, 0, तो पूरा डेल्टा यू 0 ही हो गया। अच्छा, अब चलो सर ये 0 हो गया, इनके बारे में ये तो 0 नहीं है, V1 V2। एक बात बताओ, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, सर, क्या आइडियल गैस है, हाँ सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ सर, तो क्या P1V1 = P2V2 नहीं होता कॉयल्स लॉ, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है, प्रोसेस आइसोथर्मल है और गैस आइडियल, क्या P1V1 = P2V2 होगा, इसका मतलब यहां P1V1 और P2V2 क्या होगा, बराबर, इसका ये क्या आ जाएगा, 0, ये भी क्या है, 0, तो आंसर 0 होगा, ठीक है। इस तरह से सोचोगे तब सोचो कहीं सिलेक्शन होगा, बात समझ आ रहा है क्या, दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोग अप्रोच करना, अगर ये चीज आ गई ना अप्रोचिंग समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या दिया है कैसे सोचना है तब आएगा, और ये कब आता है जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 2-4 जो मैं करा देता हूँ बेटा मेरी भी एक लिमिटेशन है, लास्ट अटेम्प्ट होते होते मेरा ही सिलेबस रह जाता है, इनका कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम वही आती है कि टाइप डिस्कस करने में हमारा कंटेंट बहुत बढ़ जाता है, इतने इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं, एंथैल्पी तो मैं 10 मिनट में खत्म करूं, जितना तुम्हारे बोर्ड में आता है लिखा के, बस इतना हो गया फॉर्मूला, बट ऐसे क्वेश्चन को फिर कैसे हैंडल करो, टाइप तो कवर होने चाहिए ना, बाकी इसके बाद भी कुछ चीजें बेटा मुझसे छूटेंगी, उसको आप क्वेश्चन के थ्रू आप जाके तैयार करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 90% हो जाएगा, मैं बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन जाता होता नहीं है, फिर भी कुछ नया मिल जाए मेरे पास लेके आओगे, मैं भी कुछ सीख जाऊंगा, ठीक है। चलो आइए, तो ये तो हो गया एंथैल्पी का एक फॉर्मूला आपने देख लिया, अब एक बात समझो बेटा, अब क्या था, अभी हम आपको ये प्रूफ करके दिखाने चल रहे हैं कि हीट कंटेंट ऑफ एक सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, अब मैं इसको प्रूफ देके बताने चल रहा हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट होती है वही एंथैल्पी होती है, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो एक बात बताओ बेटा, H इक्वल टू E प्लस PV, आराम से देखना तब मस्त मजा आ जाएगा, E प्लस PV, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। अच्छा, इसको क्या मैं डेल्टा H लिखूं, इसको डेल्टा E लिखूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट लेना है इसको अपन डेल्टा PV पहले लिख दो, पहले डेल्टा PV लिखूंगा, ऐसा लिखा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर और P बाहर निकाल लूं, तो क्या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी, यही फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे बता रहा हूं, मैंने यहां से प्रेशर को बाहर निकाल दिया, और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो वी बाहर आ जाएगा, वी डेल्टा पी फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे नाम मात्र के भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, डेल्टा इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा, क्या किया समझ में आया, कांस्टेंट प्रेशर की बात है, प्रेशर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो डेल्टा इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा, मतलब ये है एंथैल्पी। मुझे क्या प्रूफ करना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है वही एंथैल्पी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्या, और डेल्टा यू को क्या मैं डेल्टा ई भी लिखूं, चलेगा क्या, एक ही चीज है इंटरनल एनर्जी। एक बात बताओ, अगर मैं इस हीट को क्यूपी लिखूं और क्यूपी को मैं इधर लाऊं,
तो QP इक्वल टू क्या डेल्टा E, और क्या हो जाएगा बेटा माइनस क्या हो जाएगा आपका क्योंकि प्लस W ना बराबर ना QP इक्वल टू क्या होगा डेल्टा E प्लस W ना और सॉरी पहले इसको ऐसा करूं डेल्टा E यानी इंटरनल इसको QP कर लो कांस्टेंट प्रेशर पे और ये क्या होगा माइनस P डेल्टा V वर्धन ना बेटा माइनस P डेल्टा V। अच्छा एक बात बताओ अब इस QP को इधर ला दो डेल्टा E को उधर पहुंचा दो तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V क्या इसको अब QP लिख सकता हूं क्या क्या दोनों का इधर का देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है क्या यानी अगर RHS इक्वल होगा तो LHS भी तो इक्वल ही होगा तो प्रूफ हो गया क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी यही है और एंथैल्पी भी है समझा क्या प्रूफ करके बता दिया दोनों हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी और ये देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया इसका मतलब एंथैल्पी का क्वेश्चन ये भी है एंथैल्पी वो भी है। अब एक बात बताओ हीट निकालने का एक ही फॉर्मूला था गैस के लिए याद करो एन सी डेल्टा टी बराबर यही फॉर्मूला था हीट निकालने का। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं इसका मतलब यहां Cp लिखो जिसकी वैल्यू Cv प्लस R होती है बराबर तो क्या ये भी बताइए क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ क्या क्या जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ वही एंथैल्पी भी होता है क्या इसका मतलब यही जो Qp है वही डेल्टा एच भी है कभी कभी यहां से खेलेंगे तुम्हारे साथ डेल्टा एच निकलवा समझो बात समझ में आ रही है क्या अरे बाबा हीट निकालने का एक ही फॉर्मूला एनसी डेल्टा टी बराबर और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है यहां सीपी लिखूंगा और इसका मतलब ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला है और क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही एंथैल्पी है इसका मतलब यही फॉर्मूला एंथैल्पी का भी तो हो गया एक तरह से आया समझ में ठीक है क्वेश्चन कर इस पे चलो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। 2 moles of helium gas is heated at constant pressure मैं न्यूमेरिकल बताने लगता हूं फिर आप यही जाएगी मैं क्यों लगता है क्योंकि पहली बात ये तुम्हारे लिए खौफ का विषय होता है फिजिकल केमिस्ट्री का तो सब बच्चे क्या है न्यूमेरिकल से मैक्सिमम मेरे पास यहां बैठे 70% लोग इससे भागते हैं उनको लगता है और तुम्हें लगता है क्या तुमको न्यूमेरिकल नहीं याद मिलेगा तुमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी आती होगी क्या वो भी तुम्हारी बेकार होगी मुझे पता है ठीक है वो भी बहुत अच्छी तुम्हारी नहीं होगी तो इससे डरो मत बेटा अगर जब तुम न्यूमेरिकल से डरना स्टार्ट करोगे ना ये और डराएगा जबकि मैं बताऊँ ना ये सबसे आसान क्वेश्चन यही वाले होते हैं जहां न्यूमेरिकल आ जाए ठीक है क्योंकि सीधा सीधा दिया रहता है क्या गिवन है क्या निकालना है कैलकुलेशन करो सही आंसर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको एक हल्का सा क्लिक होता है बस वही कर दिया बस दिमाग यहाँ क्या निकालना है बट 90% क्या 90-70-80% बच्चों को मैं हमेशा देखा हूँ पिछले 8 साल से पढ़ा रहा ना इवन जब रिपीटर बैच को पढ़ाता हूँ चाहे जेई वाले हों जेई वाले तब भी थोड़ा सा है उनके अंदर थोड़ा सा करेज होता है लेकिन नीट वाले तो वैसे ही भागते हैं तो पहली बात वो मैथ छोड़ देते हैं ठीक है और मैथ ना आना वो बहुत दिक्कत कर देता है बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मैथ काम आती ही आती है यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन तो आना चाहिए बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पास में आ रहा है क्या तो नहीं कर पाओगे तो केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा पता डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं लिख पा रहे क्या पास में आ रहा है क्या इसलिए बोलो इससे डरो मत बेटा इससे सामना करोगे ना तो आसान हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री आपको लगता है सब थियरी नहीं पढ़ाते यार अरे यार थियरी कुछ हो तब तो पढ़ाऊ ना अभी आ रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां कुछ नहीं लिखूंगा वहां थियरी पे ही बात करेंगे सारी बकवास बातें इसके बाद होंगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात समझना शाम को भी होंगी आज भी स्टार्ट कर दूंगा सुबह से लेकर शाम तक देना स्ट्रेट आप शाम की बातें सेकंड लॉ पे पूरा तुमको लगेगा आज तो कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा है बात समझाना क्योंकि सेकंड लॉ का मतलब बकवास बकवास करना है आपके साथ कैसी कैसी बकवास करूंगा तो 2 moles of helium gas is heated at constant pressure. बस इसी को पकड़ लो constant pressure से ही क्लू है तुम्हारे क्वेश्चन का ठीक है constant pressure from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius यहां से यहां तक हिट किया उसने ठीक है
फाइंड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इन जूल, इन जूल। अब देखो यार ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान से। क्या बोला? टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस। आप फिर देखो, अब यही प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड के बच्चे एंट्रेंस में अच्छा नहीं कर पाते जो केवल बोर्ड पढ़ते, अगर फिर उनको एंट्रेंस देना होगा, क्योंकि उनके लिए तो दो ही फॉर्मूले हैं एंथैल्पी को जो उनको टीचर पढ़ाता है, एक ये और दूसरा डेल्टा एन जी आर। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, 0 से 50 यानी डेल्टा टी कुछ दिया है, ठीक है, मोल्स दिया है, मोल्स दिया है आपको, और आपको क्या दिया है, कहीं तुमको इंटरनल एनर्जी दिया है पूरे क्वेश्चन में? दिया नहीं है, और प्रोसेस आइसोथर्मल भी नहीं है, तुम जीरो मान लो प्यार से, फंसोगे ना ऐसे क्वेश्चन में। भाई तुम्हें चाहिए कि यार डेल्टा ही दे दे, ये सब दे दे, हम निकाल ले आराम से। अब डेल्टा ही कहीं प्रोवाइड नहीं किया है, और डेल्टा ही जीरो भी नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि साफ साफ टेम्परेचर बढ़ता दिखाई दे रहा है, डेल्टा ही तो दबा के बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी बट उसकी वैल्यू अपने को दिया नहीं। तो बाद में ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करें, अगर आप दिमाग से पढ़े हो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है यार, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है, इतने से इतना इसमें 2 मोल गैस को हीट किया गया, यार कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसका फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी होता है क्या, और क्या जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है वही एंथैल्पी है क्या? इसका मतलब सीधा सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना था बस, एनसीपी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना दिया है 2, सीधा सीधा डेल्टा टी 0 से 50 यानी 50 चेंज ना, ठीक है। अब बात आते सीपी कैसे निकालेंगे, हीलियम को पकड़ लो थोड़ी देर के, तुमसे पूछो तुम कैसे हो, बोलोगे मैं मोनोएटॉमिक हूं, बोले तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो बोलेगा मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, बराबर, मैं मोनोएटॉमिक हूं, बोलो अपना सीपी बता दो जरा, तो बोलेगा 3/2 × R, F/2R होता है, F 3/2R, इनका सीपी क्या होगा, CV+R, CV 3/2 + R यानी 5/2 R हो गया। अब यहां रख दीजिए प्यार से 5/2 × R, और उसे साफ साफ बोला जूल में, बताइए आर की खूबसूरत सी वैल्यू होती है जूल में 8.314, बराबर, ठीक है, बस को सॉल्व करो, गेम हो गया, क्वेश्चन खत्म, 207852 खत्म, समझा ना कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आया उसको देख कर पता नहीं क्या चल रहा, समझा कि नहीं? अगर ये कैलोरी में बोलता तो यहां मैं क्यों रख देता, बराबर है कि नहीं? आइए अब बात कर लेते हैं वो चीज जो तुम्हारे बोर्ड में आती है, उसको पढ़ा दे थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा टी, तुम्हारे बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, 3 नंबर में आता है रिलेशन बिटवीन, जो तुम पढ़ने के लिए बैठे थे देर से, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, ये तुम्हारे बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्न है, एक ये आता है, एक रिवर्सिबल वर्क डन डेरिवेट करने के आता है, मैक्स कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क बार बार पूछते हैं, जो वाला फॉर्मूला बताता है W=-2.303 nRT log base 3 / 2y, ठीक है, एक ये डेरिवेशन बहुत पूछता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। तो देखो अपने को पता है एच इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है ना, इक्वल टू एच प्लस पी वी, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, समझ आ रहा ना, ऐसे होगा ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखो ये क्वेश्चन आ गए, अपने को पता है जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होती है ना बेटा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कराई जाती है, यानी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब ये सब बोर्ड में बकवास लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अच्छा अगर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कराई जाती है, इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू जीरो कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको डेल्टा टी और डेल्टा पी दिख रहा है उसको जीरो रख, ठीक है, चलिए
सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस बी इंटू जीरो लिख सकता हूं क्या, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ये पूरा फैक्टर ही जीरो हो गया। तो क्या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये लो आ गया रिलेशन हमारा, समझा क्या लिखा और क्या करना, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा, समझ में आ गया। अच्छा अब इसी से एक रिलेशन और बनाऊंगा, ये तुम्हारा लिक्विड के भी लग जाएगा सॉलिड के भी लग जाएगा, बट कभी कभी क्या होगा ना बेटा आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे कि PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बन रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है तो बताइए एंथैल्पी कितनी, यानी ये केमिकल रिएक्शन दे देगा और उससे मैं उसमें आपसे क्या कैलकुलेट करवाएगा एंथैल्पी, यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, साफ साफ वॉल्यूम बता देगा, एक कांस्टेंट प्रेशर बता देगा एंथैल्पी, ठीक है, और यहां से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है जहां पे बोलेगा N2+3H2 gives 2NH3, ये केमिकल रिएक्शन है, टेम्परेचर इतना है, इंटरनल एनर्जी इतनी है, बताइए किस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बताओ, तब क्या करोगे उसके लिए जरा देखो। देखो ये बताता हूं आपको, अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर आइडियल गैस, ये तो सॉलिड लिक्विड सबके लिए लगेगा, पर गैस के लिए स्पेशली बोलूं, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है बेटे, पीवी इक्वल टू एन आर टी, अच्छा इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं, डेल्टा पीवी आर तो कांस्टेंट है बाहर ले लूं और डेल्टा एनटी यही होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी पी डेल्टा वी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वी डेल्टा पी, आर तो कांस्टेंट है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन एन डेल्टा टी प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कुछ यही होगा, ठीक है। फिर वही कहानी लिखूंगा कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, most of the chemical reaction occurs at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure, ठीक है। तो इसका मतलब जहां जहां डेल्टा टी और डेल्टा पी जीरो करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में डेल्टा टी जीरो करूंगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर में बैठे डेल्टा पी जीरो करूंगा, बराबर। चलिए तो जहां जहां तुमको डेल्टा टी और डेल्टा पी दिखा जीरो करूंगा, आई होप ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या ये V into zero हो जाएगा, डेल्टा P कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R, N into zero हो जाएगा क्या डेल्टा T प्लस P डेल्टा N, यही होगा। तो ये देखिए क्या आया, P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N R T आ गया क्या, अरे V इक्वल टू N R T ना, और इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा N G R T, क्यों, क्योंकि P V इक्वल टू N R T किसके लिए यूज होता है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। तो अब क्या इस पी डेल्टा वी को उठा के यहां पुट कर सकता हूं क्या, पी डेल्टा वी की वैल्यू बस वही जो तुम जानना चाहते थे, कहां से आया डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये है समझ में आ गया क्या, इस तरह से कर दिया इसको, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, पी डी वी को उठा के वहां पर गैस, समझ में आया क्या। अब बात आती है सर डेल्टा एन जी क्या है, इसके बारे में चलो देखो, डेल्टा एनजी क्या होता है बेटा, इसको तुमने डेल्टा एनजी अगर याद करो, जब तुमने केपी और केसी में रिलेशन निकाला होगा ना, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, वहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट किया होगा, क्योंकि केपी केवल गैस के लिए डिफाइन होता है। तो डेल्टा एनजी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बोलो सर गैस की क्यों ले रहे हो, तो बताओ जरा पीवी इक्वल टू एनआरटी में किसके लिए लिख सकता हूं, बस गैस के लिए ना, इसलिए केवल गैस की बात, बात समझ में आ गया क्या। चलो अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कुछ, आपको क्या देगा, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको केमिकल रिएक्शन देगा, बोलेगा डेल्टा एच और डेल्टा डेल्टा ई में रिलेशन क्या होगा, इसमें बोलेगा डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको भी देख लो। इस क्वेश्चन को पहले मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, से याद हो जाए आपको, प्लस डेल्टा एन जी आर, बराबर। चलिए अब मैं आपको तीन केमिकल रिएक्शन बता दूं, तीनों से आपको तीन पॉइंट मिल जाएंगे,
चलो पहले मैं बता दूं केस वन, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, बहुत ध्यान समझो। H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स टू एच आई गैस, ठीक है, ये एक रिएक्शन ले लिया। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन बताना है कि डेल्टा H बड़ा होगा डेल्टा E से या डेल्टा E बड़ा होगा डेल्टा S से या दोनों बराबर। चलो पहले जरा डेल्टा एन जी निकालते हैं इस रिएक्शन का। डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, हाउ मेनी गैसियस प्रोडक्ट, टू मोल, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ए और ए टू। क्या डेल्टा एन जी जीरो आ गया क्या इस रिएक्शन का? आप जरा ये क्वेश्चन लगा दो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस जीरो इंटू आर इंटू टी। डेल्टा एन जी जीरो आ गया, ये पूरा फैक्टर ही जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। समझा क्या? इसका मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो आएगी, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल होगा। समझ में आया क्या? और ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, एकदम आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रिएक्शन दे देगा और चार रिएक्शन दे देगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा, मतलब किस रिएक्शन के लिए ये बात सही है। तो आपको देखना कहां डेल्टा एन जी जीरो हो गया, वहां डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होगा बराबर। समझ में आता है क्या? आइए केस टू, अगर मैं ये रिएक्शन ले लूं बेटा, PCl5 गैस थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, PCl5 का थर्मल डिकम्पोजिशन ले लिया। चलिए इस रिएक्शन के डेल्टा एच और डेल्टा ई में अपने को रिलेशन बताना है। चलिए साहब पहले डेल्टा एच निकाल दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं बेटे? एक मोल PCl3 और एक मोल Cl2, दोनों गैस है ना, तो टोटल गैस के प्रोडक्ट कितने हो गए? दो। और गैसियस रिएक्टेंट के कितने मोल है? एक, तो कितना आएगा? वन। डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया क्या? इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वन आर टी, इसका मतलब डेल्टा ई में कुछ ऐड करूंगा तब वो जाके डेल्टा एच के बराबर होगा। इससे क्या फील आ रही है? डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा एच बराबर है इसका मतलब वो ना हो, डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा ई। समझा क्या? तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा ई से। ठीक है, अब केस थ्री, केस थ्री क्या है बेटा आपका? अगर मैं एक क्वेश्चन ले लू, एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस गिव्स टू एन एच थ्री गैस, हाँ आपको पता ही रिवर्सिबल है, ठीक है, टू एन एच थ्री गैस, इस प्रोसेस का नाम जानते हो? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम, हाँ इक्विलिब्रियम में सारे काफी क्वेश्चन निकाले होंगे, हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नहीं भी जानते परेशान मत हो, पी ब्लॉग में पढ़ाओ। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ का कैटलिस्ट होता है आयरन, दो तीन बातें यही समझा दे रहा हूँ, और मॉलिब्डेनम होता है इसका प्रमोटर। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाओगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, प्रमोटर क्या है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम इसका क्या है? प्रमोटर। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ाया क्या सरफेस? अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है, N2 plus 3S, आयरन कैटलिस्ट हो गया, मॉलिब्डेनम क्या हो गया? प्रमोटर हो गया। ठीक है, ओके, अब एक बात समझो, चलो ये तो बकवास कर दिया, डेल्टा एच और डेल्टा ई रिलेशन बताना है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैस में कितने मोल के हैं? टू मोल गैसियस प्रोडक्ट है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तीन और एक चार। ठीक है, तो क्या डेल्टा एन जी माइनस टू आया, यानी नेगेटिव आया क्या? इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूं डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही इक्वेशन है अपनी, सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा माइनस टू आर टी, ऐसे ऐसे ऑप्शन बन के आ जाते हैं किस रिएक्शन के लिए, ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब डेल्टा ई में से मैंने कुछ माइनस किया तब वो जाके डेल्टा एच के बराबर हुआ, इसका डेल्टा ई बढ़ा रहा होगा, कुछ माइनस किया गया,
इसका मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। बताओ बात समझ में आ गई? तीन बातें कि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होंगे, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा ई से, और अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो ई बराबर। अच्छा दो तीन पॉइंट ऐसी सुन लो, तो अपन पता है एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, बराबर ना, क्योंकि इस पर डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ये कैसी है, पहले भी लिखा चुका हूं बेटा, लिस्ट करा चुका हूं, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, तो ये एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। साथ ही साथ ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिस्टम की साइज पे डिपेंड करती है या सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव है, स्टेट फंक्शन है, we cannot calculate the exact enthalpy of the system, we can only calculate change in the state function. इस तरह से ये आपका first law of thermodynamics खत्म हो गया और enthalpy खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे evening में second law of thermodynamics के साथ, ठीक है, कि कौन सा process nature में होगा कौन सा नहीं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अलविदा।